नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजनीतिक दशा कैसी थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो घटनाचक्र पूर्वावलोकन से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या थे? तो चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, कौशल अहिछत्र से सुमेलित नहीं है, जबकि अंग चंपा, वत्स कौशाम्बी और मदत्स विराटनगर ये इनकी राजधानियाँ थीं। तो कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी, से सभी विकल्प सुमेलित है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अंग का चंपा, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर और कौशल की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। सूची एक सूची दो में सुमेलित कीजिए दोस्तों, और कूट की सहायता सही उत्तर को चुनना है। सूची एक में राजा के नाम दिए गए, सूची दो में राज्य के नाम दिए गए। तो जो राजा प्रद्योत थे वो अवंती के थे, जो उदयन थे वो वत्स के थे, जो प्रसेंजित थे वो कौशल के थे, और जो अजात शत्रु थे वो मगध के थे। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो प्रद्योत अवंती, उदयन वत्स, प्रसेंजित कौशल और अजात शत्रु मगध। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज के राजा थे? जिसका सही आंसर है अवंती। चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्धकाल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? तो कलिंग में। खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जीनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था तथा उसने कलिंगा में एक नहर का निर्माण करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? जिसका सही आंसर है अवंतिका। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की दो राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से चार दर्शाए गए हैं, क्रमशः ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? तो आपको मैप में ए बी सी डी दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसके अनुसार जो ए है वो मत्स्य है, बी अवंती है, सी है वत्स और डी है अंग। तो प्रश्नगत मानचित्र में ए बी सी डी क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अंग महाजनपद दर्शाया गया है। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती राजधानी माहिष्मती। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। चंपा इसकी राजधानी थी। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में डाउट है, तो आइए इसका व्याख्या के थ्रू हम लोग देखते हैं। मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर बैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे? तो उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंदवंश और मौर्यवंश की भी राजधानी रही। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्राचीन पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा था। तो बी ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरियंक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, क्योंकि विकल्प में उदयन नहीं है। अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है।
तो उदयन अगर उत्तर हो तो दोस्तों तो उदयन सही है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उसका सही आंसर उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? तो उज्जैन से। तो उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो वो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविकता संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। वो हरियंग कुल से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? जिसका सही आंसर है मगध। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्वता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो इसमें डाउट है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार से हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, रामगाम के कोलीय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवि, मिथिला के विदेह। योधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी इस योधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र चौथी शताब्दी से पूर्व से गुप्तकाल तक विद्यमान था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही आंसर है वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन से युगम उपयुक्त जोड़ी है? तो पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य और चेतक लिच्छवी। तो राजा चेतक लिच्छवी गणराज के राज थे, तो उसमें चेतक जो है लिच्छवी से सही मेल खाता है। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। स्कंदगुप्त दोस्तों गुप्त वंश के शासक थे और बिंदुसार जो है हरियंग वंश के शासक थे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में सूचना मिलती है? जिसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय में, जो इस प्रकार है। तो अगध अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर दोस्तों? तो अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो इसमें सही आंसर है मगध, अस्मक और कंबोज। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें से प्रमुख है मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो उसमें दोस्तों अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय, इनके बारे में वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ? तो अहिचच क्षत्र में। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचच क्षत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियाँ थी जबकि मथुरा और सूरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की राजधानी थी।
चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग की थी। उत्तरी बिहार का वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दिघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। अगला प्रश्न है, छठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। किसी राजधानी थी? तो चेदी की। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथितवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था कौन सा था दोस्तों? तो वो था अशक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अशक या अशमक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पौतन अथवा पोटिल प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ प्रसिद्ध था? तो राजस्थान में था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जो राजस्थान में था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी ग्रीवरज यानी राजगीर। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने ग्रीवरज या राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यंक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या ग्रीवरिस थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें कोई नहीं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो वो कौशाम्बी, जबकि ग्रीवरज पाटलिपुत्र और राजगीर थी। ग्रीवरज या राजगीर और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध राज साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज का शासन था। हरियंग वंश शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई, और वो कौन किए थे? उदयन ने किया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विनायस किस आकृति का है? विन्यास किस आकृति का है? तो वो अर्धचंद्राकार का है। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थल से की थी। उत्खनन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो सही आंसर है अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु ने अपने पिता हरियंग वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर दी थी और राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन या कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने की थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हरियंक। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था कौन था? अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज को हराकर आत्मसात किया था? तो किया था अजातशत्रु ने। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज था। यहाँ के शासक लिच्छवी भी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निरयावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेतक था। उसने 9 लिच्छवियों 9 मल्लों तथा 18 गणराज यानी काशी कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता रहा। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलिग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततः गतवार अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिलवा दिया। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर है शिशुनाग के शासनकाल में। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद था। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंदवंश का सर्वोच्च स्थापित हुआ। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्वक्षत्रांतक और अपरोपर शुराम कहा है। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो वो महापद्मानंद। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हरियंक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर है मौर्य। मगध के नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंदवंश में कुछ 9 राजे हुए थे। नंदवंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंदवंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग कणव गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर विकल्प ए है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है कौन सा है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के छेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इस हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद वंशीय शासक महात्मा पद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। निम्नलिखित में से मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना, यानी जो सबसे पहले मगध राजवंश में जो आए थे उनका नाम पहले, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग लेटर में आपको अरेंज करना है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आए थे हरियंक वंश, जो बिंबिसार ने स्थापित किया था और उसके भी राजा अजातशत्रु रहे थे, और उसके बाद आया था नंदवंश जिसकी स्थापना महापद्मानंद ने की थी, उसका अंतिम राजा धनानंद था, जिसकी हत्या चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद आया था मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जैसा मैंने कहा आपको, और उसके बाद फिर अंत में आया था शुंग वंश जिसके जो राजा थे वो पौष्यमुत्र शुंग थे। तो इसमें सही आंसर है बी, यानी 4-1-3-2, यानी सबसे पहले हरियंक वंश, फिर नंदवंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो इनका जो कालानुक्रम वो इस तरह है दोस्तों, हरियंक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व, मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व और शुंग वंश 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के समय पर प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था कौन? बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। तो विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। दोनों ए और बी सही है। ईसापुर छठी शताब्दी के में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी, इसे परिवारजक कहते थे, घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट और पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है यमुना। काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से भी विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, सूची 2 में उसकी राजधानी थी। तो जो कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ, पांचाल की जो राजधानी है वो थी अहिछत्र, जैसा हमने देखा। कौशल की जो राजधानी थी वो थी साकेत, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर है बी दोस्तों। इसमें जो डी का ऑप्शन है वत्स की कौशाम्बी, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस किए थे, अगर हम लोग इस ऑप्शन को क्रॉस मैच करते हैं तो हमें इजिली
इसका आंसर मिल जाता, तो उसमें डी का 2 हो जाता है, वत्स का कौसम भी, तो इस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सही सही मिलान है दोस्तों इस तरह से, कुरु इंद्रप्रस्थ पांचाल अहिछद्र कौशल साकेत और वत्स कौसम भी। कूट को मैच करें दोस्तों, सूची एक में महाजनपद के नाम दिए गए, सूची दो में राजधानी के नाम दिए गए। तो जो मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर, जो राजस्थान में था जैसा हमने देखा। कुरु इंद्रप्रस्थ सूरसेन मथुरा और अश्मक पौतन, तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है। तो इसका मैच है दोस्तों मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ सूरसेन मथुरा और अश्मक पौतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? तो सूरसेन कौसम्बी ये नहीं है, वत्स कौसम्बी है दोस्तों। बल्कि सही सुमेलन अब इस तरह से है, कंबोज राजपूत हाटक अश्मक पोतन या पोटिल सूरसेन मथुरा और कौशल साकेत तथा श्रावस्ती। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? इसका सही आंसर है 8 महाजनपद। छठी शताब्दी से पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके नाम इस प्रकार है, कुरु पांचाल काशी कौशल सूरसेन चेदी वत्स तथा मल्ल। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया था। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों याद रखिएगा, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो दोस्तों श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये सही नहीं है। जबकि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित किया जाती थी, ये भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी, ये भी सही है। तो प्राचीनकालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियाँ देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि मैं इसी तरह के अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूं। दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं विभिन्न एग्जामों जैसे SSC रेलवे डिफेंस बैंकिंग और स्टेट PCS एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अदर एग्जाम्स में भी जैसे RO या तहसीलदार, ये सब एग्जाम्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।